तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। वैसे नया वीडियो नहीं है, इसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है, जाकर देख लो। अगर नहीं देखा अभी तक यहाँ पर सीधा आए हो तो यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी आपको आई बटन में वो लिंक दिख रहा होगा, आप वीडियो ख़त्म होते ही वहाँ पर जा सकते हो। तो पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि इंडिया में ईवी स्टार्टअप कौन कौन से हैं, और एक और बात भी करी थी लेकिन वो आपको उस वीडियो में पता चलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यूलर मोटर्स के बारे में। अब इस कंपनी को सौरभ कुमार द्वारा 2018 में स्टार्ट करा गया था, और ये कंपनी जो है वो टेस्ला से इंस्पायर्ड एक आइडिया पर काम करती है। अब टेस्ला के पास जैसे उनके ऑटो रिक्शाज है जो कार्गो में ये इस्तेमाल किए जाते हैं, सेम चीज़ें ये भी करते रहते हैं। अब ये कंपनी ऑल ओवर इंडिया तो अपनी गाड़ियाँ सेल करती नहीं है, इनके डीलर जो है वो कुछ कुछ सिटियों में अवेलेबल है। अब उन कुछ कुछ सिटियों में क्या करते हैं कि ये पावर ग्रिड भी खुद के देते हैं, यानी कि इन्होंने पेट्रोल पम्प जैसे अपने चार्जिंग स्टेशन बनाकर रखे हुए हैं। आपने मेनली इन चीज़ों को दिल्ली में नोटिस कर रखा होगा, और दिल्ली में ही ज़्यादातर आपने ये ई रिक्शा वगैरह देखा होगा। वहाँ पर आप शेयरिंग टेम्पो जैसे होता है उसमें 10 रुपये देकर कहीं पर भी जा सकते हो, उस टाइप का स्ट्रक्चर इन्होंने पूरा बना कर रखा हुआ है। और इनका प्लान यूँ ही है कि ये अपना सेटअप भी खुद ही लगाए, यानी कि इनका जो पावर ग्रिड है वो खुद चार्जिंग स्टेशन जैसा लगाए और वहाँ पर ये चार्जिंग वगैरह करवा सके, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होते हैं उनका। अब इनके पास जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उस हिसाब से अपना चार्जिंग स्टेशन भी बनाएंगे और अपने प्रोडक्ट भी है जो वो आगे लाते जाएंगे। वैसे इनका आइडिया मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जैसे कोई गाड़ी होती है वो पेट्रोल से नहीं चलती, उस टाइप से कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो करंट वगैरह से नहीं चल सकता। तो उस हिसाब से इन्होंने क्या करा है कि चार्जिंग स्टेशन लगाना भी चालू कर दिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने के साथ साथ में। इसी कंपनी ने सेम चीज़ ये भी करी हुई है कि इन्होंने बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियों के साथ में पार्टनरशिप कर दी है। अब ई कॉमर्स कंपनियाँ, आपको एक वर्ड में समझा दूँ तो ये क्या करते हैं कि जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन के जो डिलीवरी पार्सल्स होते हैं उनको घर घर पहुँचाने का काम करते हैं। अब घर घर पहुँचाने के लिए भी उनको व्हीकल तो चाहिए होता है, तो इन्होंने क्या कर रखा हुआ है कि अपने ऑटो रिक्शाज जो होते हैं वो उनको बेचते हैं, यानी कि पार्टनरशिप करवा दिए दोनों ने। तो बड़ी बड़ी सिटीज़ जो हो गई, जैसे दिल्ली मुंबई जैसी बड़ी सिटी हो गई, उनमें ये ई कॉमर्स वाले जो है वो इनसे व्हीकल खरीदते हैं इलेक्ट्रिक वाले, और बाद में वो अपने जो वर्कर्स होते हैं उनको देते हैं, जिससे वो गाड़ी में बैठ कर जाएंगे और डिलीवरी वगैरह करेंगे। तो उस टाइप से भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है, और इस कंपनी ने बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियों से पार्टनरशिप भी कर रखी हुई है, जैसे ई कॉम एक्सप्रेस, बिग बास्केट, ब्लू बर्ड, उड़ान, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो छोटी छोटी होती है, उनको ये ई रिक्शाज वगैरह देकर रखी हुई है, और वहाँ पे डिलीवरी बॉय जो होता है वो एक गाड़ी लेकर जाता है और बाद में डिलीवरी कर वापस आता है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टेप लगा इस कंपनी की तरफ से। तो अब हम बात करते हैं ओकिनावा मोटर्स के बारे में। ओकिनावा जो है वो एक जापानी सिटी है जो पूरी तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो उसका नाम भी उसी से इंस्पायर कर रखा गया है, ओकिनावा। अगर मैं गलत हूँ आप कमेंट में बता सकते हो मेरे को। ये कंपनी भी एक टू व्हीलर स्टार्टअप है जिसे 2015 में स्टार्ट करा गया था रूपाली शर्मा और जितेंद्र शर्मा द्वारा। इस कंपनी ने अभी तक 2 से 3 प्रोडक्ट तो एकदम मेन स्ट्रीम में लॉन्च कर रखे हुए हैं, और 2-3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको अभी तक इतना क्रेज़ वगैरह नहीं मिला है, जिसमें मेनली प्रोडक्ट इनके हैं प्रेज, आई प्रेज, रेज प्लस, ओकिनावा लाइट, और एक ओकिनावा S340 करके नाम का है, आप स्क्रीन पर सबके नाम पढ़ लो। साथ ही में इनका एक नया प्रोटोटाइप या फिर आप कंसेप्ट वर्जन कह सकते हो, इन्होंने एक इलेक्ट्रिक बाइक का रख दिया है, और वो बाइक जो होगी वो सीधा रिवॉल्व 400 से कम्पीट करेगी इंडिया में। इन सब गाड़ियों की प्राइसिंग जो है वो लगभग 60,000 रुपीज़ से लेकर 1,10,000 रुपीज़ तक जाती है, और ये ऑन रोड आपको मिल जाती है। इन सब की चार्जिंग वाला सिस्टम जो है वो ऑन बोर्ड रहता है, यानी कि आप घर से इनको चार्ज कर सकते हो या फिर इनके डीलरशिप जाकर इनको चार्ज कर सकते हो। इस कंपनी ने आज तक टोटल 72 डीलरशिप स्थापित कर दी है पूरे इंडिया में, और साथ ही में ये 54 सिटीज़ में फैल चुके हैं इंडिया की। बाकी इनका पूरा मोटिव है कि ये लगभग 2022 तक 450 डीलरशिप लगा दे ऑल ओवर इंडिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लान है इस कंपनी का। साथ ही में इन्होंने भिवाड़ी हरियाणा में अपना प्लांट भी खोल कर रखा हुआ है, और उस प्लांट में लगभग ये 96,000 गाड़ियाँ बना सकते हैं, वो भी सिंगल शिफ्ट वर्क में। बाकी इस कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि आपको लगभग पता होगा इसके बारे में, और इनके प्रोडक्ट जो है वो अच्छी तरह से इंडियन मार्केट में आते ही जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं एथर एनर्जी के बारे में। अब इस कंपनी के बारे में तो लगभग आप जान ही चुके होंगे, क्योंकि इसके एड्स वगैरह भी आजकल टीवी पर आने लग गए हैं। इस कंपनी को सबसे ज़्यादा रिकॉग्निशन इसके एक प्रोडक्ट एथर 450 से मिली है। अगर इसके फाउंडर्स की बात करूँ तो इसके फाउंडर्स हैं तरुण मेहता और स्वप्निल जैन, और इन दोनों ने मिलकर इस कंपनी को 2013 में स्टार्ट करा था, और सबसे पहले इनका प्रोडक्ट जो था वो इंडियन मार्केट में आया था, उसका नाम था S340, और ये स्कूटर था, और इसको लॉन्च करने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ, और इसके पॉपुलर हो जाने से ये बिक भी गया अच्छा खासा। तो इसके बिकने से जो इनके पास प्रॉफिट वगैरह जो आया उसको लेकर इन्होंने क्या करा कि दूसरे स्कूटर्स पर काम करना शुरू कर दिया, और आप आज इनके अच्छे खासे प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में देख सकते हो।
इस कंपनी ने भी चार्जिंग के लपटे के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देकर रखा हुआ है, यानी कि उनको पता है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल चलता है तो उसके चार्जिंग की दिक्कत तो कस्टमर को आएगी ही। तो इन्होंने क्या कर रहा है कि अपनी टेक्नोलॉजी को और डेवलप करा और एथर ग्रिड कर इन्होंने चार्जिंग स्टेशन जो है वो खोल कर रखे हुए हैं। अगर इस कंपनी की वैल्यू की बात करूँ तो ये कंपनी जो है वो लगभग 190 मिलियन डॉलर यानी कि 1400 करोड़ रुपए के आसपास की इसकी पूरी वैल्यू है। यानी कि आप अगर खरीदना चाहते हो तो आप 1450 करोड़ रुपए लेकर जाओ, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब आपके नाम पर वो कंपनी वाले कर देंगे। और अब हम बात करते हैं कुछ बड़े स्टार्टअप्स की जो बड़ी कंपनी द्वारा करे गए हैं। अब हम बात करते हैं रिवोल्ट मोटर्स के बारे में। रिवोल्ट मोटर्स के जो फाउंडर है उनका नाम है राहुल शर्मा। अब राहुल शर्मा की बात करूँ तो राहुल शर्मा जो है वो माइक्रोमैक्स के भी फाउंडर हैं, यानी कि माइक्रोमैक्स की ये सब ब्रांड कह सकते हो आप इसको। अब इस कंपनी ने क्या करा कि 2019 में एक प्रोडक्ट जो है वो इंडियन मार्केट में लॉन्च करा और उसका नाम था रिवोल्ट RV 400। अब उसका भी एक छोटा वर्जन इन्होंने साथ में ही लॉन्च करा था, रिवोल्ट RV 300। अब ये जो है वो एक सुपर बाइक जैसी लग रही है आपको देखने में, लेकिन ये नॉर्मल बाइक जैसी बाइक है, आप इसको डेली कम्यूट के लिए यूज़ कर सकते हो। अब इस गाड़ी में क्या है कि बहुत सारे फीचर्स देखकर रखे हुए हैं। अब नॉर्मली अगर फीचर्स की बात करूँ तो ये सारे फीचर्स जो है वो AI इनेबल है, जिसमें जियो लोकेशन, जियो फेंसिंग, मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स है। अब इस गाड़ी की आप लोकेशन जान सकते हो, आप गाड़ी के चार्जिंग वगैरह को अपने फ़ोन में पता कर सकते हो, साथ ही में आप इस गाड़ी को जियो फेंसिंग द्वारा एक लिमिट तक सेट कर सकते हो कि हाँ भाई इस गाड़ी को यहीं तक पहुँचाना है, इसके आगे गाड़ी जानी नहीं चाहिए, मेरे को अलर्ट आ जाना चाहिए, उस हिसाब से आप समझ सकते हो। बाद में कभी और बात कर लेंगे इन सारे फीचर्स के बारे में। और इस कंपनी ने क्या करा कि अपने प्रोडक्ट को ऐसे पूरी तरह से प्राइस में नहीं लॉन्च कर दिया, यानी कि हाँ भाई इतने पैसे दे जाओ और ये गाड़ी ले जाओ, ऐसा नहीं कराया। इन्होंने क्या करा है कि सब्सक्रिप्शन के हिसाब से इस गाड़ी को लॉन्च कराया है। जैसे आप 130,000 की गाड़ी है तो आप 1300-1400 भरो एक महीने का और गाड़ी लेकर जाओ, उस हिसाब से इस गाड़ी को लॉन्च करा गया है। बाकी आप किस्तों के हिसाब से इस गाड़ी को खरीद सकते हो या फिर आपके पास पैसे हैं तो आप इस गाड़ी को तुरंत खरीद सकते हो। इसमें ये कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करी है राहुल शर्मा ने। बाकी इसमें दो वेरिएंट मिलते हैं, RV 400 और RV 300। RV 400 जो है वो आपको टॉप स्पीड जो है वो लगभग 85 किलोमीटर पर आवर की देती है और RV 300 जो है वो लगभग 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देती है टॉप में। बाकी इसमें जो है वो रेंज वगैरह भी थोड़ी अलग अलग देकर रखी हुई है। और इस गाड़ी का क्या है कि चार्जिंग सेटअप भी थोड़ा लगा नहीं मिला तो उन्होंने क्या करा कि स्वैपेबल बैटरी इनको दे दी है। अब इस गाड़ी की बैटरी जो है आप निकाल सकते हो, बाद में उसको घर पर ले जाओ और चार्ज कर ले आओ, उस हिसाब से इसमें बैटरी देकर रखी हुई है। तो आप जान सकते हो कि इसमें क्या क्या फीचर्स आते होंगे। बाकी अगर इनकी प्राइसिंग की बात करूँ तो ये लगभग 1,20,000 के आसपास मिलती है दोनों गाड़ियाँ। और इस गाड़ी का जो सबसे दिखावे वाला फीचर लगा मेरे को वो है इसका आवाज़ बदलना, यानी कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स जो होती है उनमें आवाज़ वगैरह नहीं होती है, तो नॉर्मल बाइक जैसे फील लाने के लिए इसमें क्या करके रखा हुआ है कि एक AI कनेक्टेड स्पीकर देकर रखा हुआ है। अब आप जैसे गाड़ी को एक्सीलरेट करते हो तो ये गाड़ी का स्पीकर जो है वो भी बजने लगता है। और उस आवाज़ को क्या है कि आप बदल सकते हो, जैसे आपको बेस वाली आवाज़ चाहिए, ट्रबल वाली आवाज़ चाहिए, उस हिसाब से। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है ये RV 400। अगर ये आप रिवोल्ट वाले सुन रहे हो तो मेरे को ये गाड़ी दे दो प्लीज़, मैं टेस्ट कर वीडियो बनाकर दे दूंगा आपको वापस। बाकी ये गाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बिकी है इंडियन मार्केट में और इसका शायद सक्सेसर भी आने वाला है। मेरे हिसाब से रिवोल्ट मोटर्स को ऐसी और बाइक्स को लाना चाहिए और इनकी जो रेंज वगैरह है और उनको बढ़ाना चाहिए, स्कूटर पर भी काम कर सकते हैं ये। तो अब हम बात करते हैं दूसरी बड़ी कंपनी और इसको आप शायद से इंडिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी भी कह सकते हो। अब हम बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। ओला का नाम सुन लो तो आपको सबसे पहले एक टैक्सी दिखाई देती है दिमाग में और एक मोबाइल ऐप दिखाई देता है कि हाँ भाई ये दो चीज़ें कनेक्ट है, इसमें आप अगर बुलाओगे तो एक टैक्सी वाला आपको आकर ले जाएगा और आपकी डेस्टिनेशन पर आपको छोड़ देगा। वैसे ये हर कोई ऐप यूज़ भी करता है अगर वो बड़ी सिटी में रहता है तो। ये खुद कंपनी पहले एक स्टार्टअप थी और आज ये बड़ी कंपनी बन चुकी है और बड़ी कंपनी बनने के बाद भी इसको स्टार्टअप की वैल्यू अभी भी पता है। तो इसने क्या करा कि एक नया आइडिया सामने रखा इलेक्ट्रिक व्हीकल का और इसने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाला कुछ चालू कराया 2017 में। अब इस कंपनी को अच्छे से पता है कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इन्होंने क्या करा कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जो है वो लगाना चालू कर दिए हैं बड़ी बड़ी सिटीज़ में। और इस कंपनी के पास अच्छा खासा बजट भी है और पहुँच भी है, तो ये अच्छे तरह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंडिया में लगा सकते हैं। अब ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो चालू हो जाने के बाद में इन्होंने क्या करा कि एक डच कंपनी इटरगो को हायर कर लिया या फिर उस कंपनी को ही खरीद लिया, यानी कि वो पहले डच कंपनी थी उसको इंडियन बना दिया।
अब वो कंपनी जो है वो उनकी टेक्नोलॉजीज के साथ में वो इंडिया में स्कूटर बनाएगी, वो भी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इन्होंने क्या करा है कि एक फैक्ट्री लगा रखी है। अब वो फैक्ट्री जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की कंपनी है, सबसे बड़ी। यानी कि वो लगभग एक साल में 20 लाख के आसपास की गाड़ियाँ बना सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है ये वाली भी। अब इटर्गो जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी रही है उधर की साइड में, और इस कंपनी को खरीद लिया है ओला वालों ने, तो अब ये प्रोडक्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। अब इसका सबसे पहला प्रोडक्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख लो। अब ये गाड़ी जो है वो एक नॉर्मल स्कूटर जैसा लग रहा होगा, लेकिन इसके स्पेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़े हैं। इस गाड़ी में लगभग आपको 240 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, और 240 किलोमीटर की रेंज एक स्कूटर के हिसाब से सबसे ज़्यादा है इंडिया में अभी तक। तो अब आप इस गाड़ी के स्पेक्स वगैरह जो है वो आप स्क्रीन पर पढ़ लो। इसका सबसे बड़ा हाइलाइटिंग फीचर मैं बता दूं तो इसमें आपको तीन पार्ट में अलग अलग बैटरी मिलेगी। यानी कि एक बैटरी जो है वो लगभग 1.6 किलोवाट की होगी, जो लगभग 80 किलोमीटर की रेंज आपको ऑफर करेगी। और इस गाड़ी में आपको तीन बैटरीज मिलेगी, और तीनों अलग अलग आप निकाल सकते हो और घर पर जाकर चार्ज कर सकते हो। अगर तीनों बैटरी इस गाड़ी में लगी हुई होगी तो लगभग ये गाड़ी जो है वो आपको 240 किलोमीटर की रेंज दे देगी, 80 किलोमीटर ईच। अब इस कंपनी की अगर वैल्यू की बात करो तो ये इसकी वैल्यू के हिसाब से पूरे देश की सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है, और इसकी वैल्यू है $1 बिलियन, यानी कि 7,700 करोड़ के आसपास। अब 7,700 करोड़ में लगभग 2,227 करोड़ दूसरे इन्वेस्टर ने इस कंपनी पर लगा कर रखे हुए हैं। अगर इन्वेस्टर्स की बात करूँ तो इन्वेस्टर्स इसमें किया मोटर्स, हुंडई मोटर्स, टाटा मोटर्स, टाइगर ग्लोबल, मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें शामिल है। बाकी तो अगर ये वीडियो पसंद आया, मेरी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी लगी हो तो मेरे को बता दो, अगर ख़राब लगी हो तो भी बता दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। ये पिक्चर अभी बाकी है, ये पिक्चर पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, इसके 2-3 पार्ट और आ सकते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे को रिसर्च करनी पड़ेगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब किया ना हो जाना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और स्क्रीन पर आ रहा वीडियो है वो इसका पहला पार्ट है। सोने ना दे मुझे मेरा ख्वाब है, सोने ना दे मुझे मेरा ख्वाब है, लाखों वादे जुनू भरा साथ है, लाखों वादे जुनू भरा साथ है, कुछ पल अपनी सोच को आराम दूं, कैसे अभी जिंदगी का परिणाम दूं।